वेलकम टू बैक माई चैनल कुकिंग विद निक्की। मैं हूँ निक्की, आपकी फ्रेंड, और मैं एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, उसके लिए काफ़ी हेल्दी है और आपको भी खूब पसंद आएगी। तो इसकी रेसिपी के लिए क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। हमें चाहिए एक बटर, जो कि मेरे पास कोई भी बटर ले सकते हैं आप, मेरे पास है निट्रोलाइट का। और दूसरा ऑप्शन है आपका, आपको लेना है हनी लेना है, और ये है मिक्सचर, मुरमुरे हैं इसमें और कॉर्नफ्लेक्स हैं, जो कि इसको, इस डिश को बनेगा काफ़ी काफ़ी क्रिस्पी। और ये जो है ये ओट्स हैं, इंस्टेंट ओट्स हैं, ये एक कप लिया है मैंने। ये बड़ी कटोरियाँ हैं, छोटी कटोरियाँ हैं ये आपको, ठीक है, एक कटोरी आपको ओट्स लेना है, एक कटोरी लेना है आप इसमें। मैं काफ़ी हेल्दी बनाना चाहती हूँ इसलिए मैंने लिया है, ये है एक शक्कर, आप इसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं, ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने लिया है शक्कर। बाकी मैंने एक टेबलस्पून लिया है ये पोहा, ये नॉर्मल पोहा है जिसका हम पोहा बनाते हैं, चटपटा पोहा बनाते हैं, ये एक टेबलस्पून है। एक टेबलस्पून है ये तिल, वाइट तिल, और ये एक बड़ा टेबलस्पून है ये नारियल, ये घिसा हुआ नारियल है सूखा, जो कि मैंने रेडीमेड लिया है, बाकी आप चाहे तो अपना भी घर पे बना सकते हैं ग्राइंड करके। ये एक बड़ा टेबलस्पून मूंगफली, मेरे पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैं गाइस में ले रही हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप इसमें जैसे फ्रूट्स जाके काजू जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हो। मैंने लिया है मूंगफली, अखरोट, बादाम, नॉर्मल किशमिश, ये है ब्लैक किशमिश, काफ़ी हेल्दी होती है, मेरे पास थी तो मैंने एक टेबलस्पून लिया है। इसके अलावा ये है तरबूज के बीज, ये भी काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं, इस रेसिपी का नाम है ग्रेनोला बार, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। तो हम इनको धीरे धीरे एक एक करके फ्राई करेंगे। तो पहले मैं फ्राई करती हूँ मेरे ये जो इंस्टेंट ओट्स हैं, इनको जस्ट आपको फ्राई करना है, नॉर्मल फ्राई कर लीजिए आप। ये मेरी कढ़ाई गर्म हो रही थी तो मैंने जस्ट डाल दिया है इसे, हल्का सा जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तब तक हम इसे करेंगे। इसमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, आप हाई फ्लेम भी कर सकते हैं। इसमें से सिर्फ ओट्स को फ्राई करना है आपको, मूंगफली ऑलरेडी फ्राई है, और पोहा को थोड़ा सा कर लेना है, और मुरमुरे और जो कॉर्नफ्लेक्स है उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर देंगे ताकि क्रिस्पीनेस इनमें आ जाए, ठीक है। तो मैं ऐसे ही इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मैंने देखे, जैसे मैं बता रही थी, मैंने ओट्स फ्राई कर लिया है, एक ही मैंने बॉल में डाल दिया है, ये फ्राई है, और मैंने ओट्स और मैंने मुरमुरे और जो कॉर्नफ्लेक्स का मिक्सचर था, पोहे का मिक्सचर था, उसको फ्राई करके जस्ट हाथ से ऐसे मैंने क्रश कर दिया, इसको मैंने मिक्सी में नहीं किया है। और जो मेरा एक टेबलस्पून जो तिल था उसको भी मैंने फ्राई कर लिया है, इसका मिक्सचर है। और जो मेरे ड्राई फ्रूट्स थे मैंने उसे ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में, और जो ये मेरी किशमिश थी मैंने इन्हें जस्ट कट कर लिया है 2-2 पीसेस में ये नाइफ से। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी ग्रेनोला बार की, जिसमें मैं लगभग 1 टेबलस्पून टाइप एक बटर डाल रही हूँ। तो जैसे ही बटर मेल्ट होता है मैंने गैस ऑन किया है और ये बटर मेल्ट हो रहा है। बटर के मेल्ट होते ही मुझे इसमें मिलाना है लगभग 1 टेबलस्पून हनी, जैसे ही ये मिक्सचर होता है मुझे मिलाना है इसमें अपना शक्कर, जो कि मैंने लिया है 1 कटोरी। अब इसको जस्ट हमें हिलाते रहना है जब तक ये मिक्सचर लिक्विड ही फॉर्म में ना आ जाए। देखिए बहुत जल्दी हो जाता है, आप इसमें चाहे तो अपना चीनी, ब्राउन शुगर कुछ भी ले सकते हैं, ये बहुत जल्दी आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड हो गया है। इसको जस्ट बिल्कुल थिन होने देंगे कि ऐसे हो जाए और हम गैस ऑफ कर देंगे। रेसिपी काफ़ी ईजी है,
ये देखिए, ये है फाइनल कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए। बस हमें ये चाहिए, जस्ट हम अपना सारे जो मिक्सचर है, ये है कॉर्नफ्लेक्स पोहे का मिक्सचर और ओट्स का, तेल का मैं मिक्सचर डाल रही हूँ इसमें। मैं अपने ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ इसमें, और ये है नारियल, ये है किशमिश। जस्ट हम इन्हें अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। इस मिक्सचर को पूरा अच्छे से कंबाइन कीजिए ताकि ड्राई फ्रूट्स, तिल, किशमिश सब कुछ अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए और ये काफ़ी अच्छा ग्रानोला बार तैयार हो। इसके लिए इसका मिक्सचर बहुत ज़रूरी। गाइस मैं बताना चाहूँगी, मेरा बेटा है तो वो जब भी चॉकलेट मांगता है, अगर ग्रानोला बार है तो जस्ट मैं उसे फॉइल पेपर में रैप करके इसे दे देती हूँ, तो बिल्कुल चॉकलेट समझ के खा लेता है और वो बहुत खुश होता है। मम्मा टेस्टी बोलता है वो, उसको ये बहुत टेस्टी लगता है और उसके लिए काफ़ी हेल्दी है। बाकी मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है, तो ये काफ़ी फेवरेट रेसिपी है हम सब की। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही हो गया है मिक्सचर जस्ट इस तरह से। अब हमें क्या करना है, मैंने ओवन का एक लिया है नॉनस्टिक प्लेट जिसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है। इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये सारा मिक्सचर पोर करना है। मैं ये पोर कर दे रही हूँ। ये अच्छे से पोर करके इसे हमें सेट कर लेना। अभी गर्म है इसलिए मैं हाथ से नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो हम जस्ट इसे स्पून से ही प्रेस करेंगे। अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। सेट कर लीजिए, कर लिया है इसे, जस्ट एक करछी से दबा दबा के इसे सेट कर लिया है। ये ऐसे दिख रहा है। अब इसे जस्ट हम क्या करेंगे, माइक्रोवेव में जस्ट हम 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर देंगे। ठीक है, मैं सेट कर दे रही हूँ टाइमर। जस्ट 3 मिनट के लिए ये माइक्रोवेव होगा और इसे मैं ठंडा करके अपने मन चाहे पीसेस में कट कर सकते। फ्रेंड्स देखिए, मैंने उसको ठंडा करके कट कर लिया है, जो कि मैंने नॉर्मल एक नाइफ से कट कर लिया और ये काफ़ी अच्छा बना है, टेस्टी बना है। और फ्रेंड्स इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, ये काफ़ी डिलीशियस है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और गाइस मैं कहना चाहती हूँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पे, कुकिंग के चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब शेयर कीजिएगा और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मेरी, और तब तक के लिए बाय।